लो हो गए तुम तैयार बेटा, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक मंदिर ही तो बनना, उसमें इतना क्या शोर शराबा, इतनी कौन सी बड़ी बात है। देखिए लगता है कोई आया है। गोपी भैया। अरे रमेश क्या हो गया इतनी रात को? गोपी भैया वो कार सेवकों पे कोठारी बंधुओं ने ढांचे पर विजय पताका फहरा दी थी, तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कोठारी भाइयों समेत सैकड़ों कार सेवक वीर गति को प्राप्त हो गए। जी कोठारी जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। गोपी भैया आप रहने दीजिए, आप यहाँ पे संभालिए, हम जाके विजय पताका फहरा कराएंगे। जय श्री राम। सौगंध राम की खाते है, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे। भैया बहुरिया कई हालत में छोड़ के ना जाओ, तुम ना जाई हो कोई और चला जाई। अम्मा अगर सारे लोग ही ऐसा सोचने लगे तो वहाँ कार सेवा कौन करेगा? और आपने तो बचपन से सिखाया है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जाए दो ना अम्मा, राम के काम से जा रहे हैं। वही है वही जो राम रच राखा को कहीं तरफ पढ़ा। आज 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को घेर लिया है। पूरी अयोध्या नगरी राम नाम के नारों से गूंज रही है और लाखों की तादाद में आए कार सेवकों ने ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। भैया नमस्ते। अभी गोपी भैया नहीं रहे, ढांचे को तोड़ते तोड़ते उनका पैर फिसल गया और भैया मलबे में। है ना कोई पश्चाताप है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2-1 के बहुमत का फैसला दिया। अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रामलला विराजमान को जमीन का मालिकाना हक मिला। और हाँ अम्मा, अगर हमको वहाँ कुछ हो जाए तो हमारी अस्थियाँ तभी विसर्जित करना जब मंदिर बन जाए। स्वामी तीनों लोकों के वो आप ही नारायण देव। हाँ भाई, दो चेक कितने पैसे हुए? अरे रहने दीजिए भैया, दिवाली का मौका है ये हमारी तरफ से, और वैसे भी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम भैया।